हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। और मैं आया हूँ ऑर्गेनिक होम्स में, और लोकेशन देख लो दोस्तों खुद ही, मुश्किल से 8 किलोमीटर होगा यहाँ से 62। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और अगर मैं बात करूँ, सामने एक रास्ता और जा रहा है, वो रहा जो सीधा हापुड़ चुंगी की तरफ जा रहा है। ये यहाँ पर ये देखो, ये है मणिपाल हॉस्पिटल, वैसे इसे पहले कोलंबिया हॉस्पिटल भी कहते थे। और ये एरिया देखो आप, अभी मैं एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के रूफ पर हूँ, जहाँ पर एमिनिटीज़ हैं। सिर्फ इतनी नहीं है, आगे भी हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो आज वो सारी मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए, यहाँ पर सारा डिटेल लूँगा। और मिस्टर विशाल रहेंगे जो मुझे पूरा इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, और विशाल जी मेरे साथ हैं। हेलो विशाल जी, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया। तो विशाल जी, आज आप मुझे यहाँ ले तो आए हो, और जगह भी वाकई मुझे ऊपर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है आज मैं यहीं बैठ जाऊँ या कूद ही जाऊँ उसके अंदर, तो खैर, लेकिन वो कर नहीं सकते। तो मुझे पहले ये बताइए, आपका ये जो ऑर्गेनिक होम्स है, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर? 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स हैं। हाँ, सारे लग्जरी फ्लैट्स हैं। हाँ विशाल जी, अभी हम जो रूफ पे खड़े हैं, तो ये मतलब एमिनिटीज़ है ना यहाँ? तो सारी जो सारी एमिनिटीज़ हैं, जिसमें एक तो ये स्विमिंग पूल है आपका, और आगे दिखाएंगे किड्स प्ले एरिया अंदर है। चलिए जरा अंदर चल के किड्स प्ले एरिया पूरा इनके देखते हैं। व्यू तो भैया वैसे विशाल जी वाकई बड़ा शानदार है, ऊपर से व्यू बहुत शानदार है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एंट्री यहाँ से भी है, एक पीछे से भी है। दो स्टेयर्स हैं। अच्छा, दोनों तरफ से। ये अलग अलग टावर कनेक्टेड है क्या? उधर भी है ऐसे एक एंट्री, वहाँ हम तो वहाँ से आए हैं। लिफ्ट ये रही, इधर भी लिफ्ट है, चारों तरफ लिफ्ट है। अच्छा, लिफ्ट भी है चारों तरफ ही है, ठीक है। ये आ गए हम इधर किड सेक्शन में। ओके, चलिए नीचे उतर के देखते हैं। ये आ गए हम नीचे। ये वाला, ये किस चीज के लिए यूटिलाइज होगा? पार्टी वार्टी कर रहा, छोटी मोटी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा, तो यहां। अच्छा, तो वो यहाँ पर अरेंजमेंट सेटअप हो जाएगा, सारा अरेंजमेंट यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, छोटी मोटी पार्टी वगैरह के लिए, ठीक है। ये आ गया दोस्तों किड्स एरिया, ये मतलब रूफ पे। वैसे इसके अलावा भी बनेगा ना? हाँ, इसके नीचे नीचे वो मेन नीचे है, ये जस्ट ऊपर बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो फैमिली पार्टी वगैरह होती है, बच्चे आते हैं, तो उनके लिए आपने ये बनाया है पूरा का पूरा किड्स प्ले एरिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस हिस्से में मैंने अभी देखा, इसमें भी लिफ्ट है। हाँ, यहाँ पर भी अंदर पीछे से। ओके, अच्छा अच्छा, ये देखो दोस्तों क्या व्यू है। वो रहा हॉस्पिटल जिसकी मैं बात कर रहा था। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वैसे यहाँ पर अवेलेबल ही रहता है पूरी तरह से। यहाँ से आप सीधे विजयनगर रेलवे स्टेशन 62, अगर आपकी अपनी गाड़ी हिनोई भी है, वैसे तो जो यहाँ लेगा उसकी गाड़ी तो होगी अपनी, लेकिन गेस्ट आते हैं उनके लिए एक बात कह रहा हूँ कि मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सिटिंग आपने काफ़ी दी हुई है, पूरी सिटिंग का काफ़ी अरेंजमेंट करेगा। हाँ, घूमते रहे, एंजॉय करते रहे। हाँ, थोड़ा बैठने बैठने के लिए भी अपना सारा स्पेस आपने काफ़ी इसमें दिया हुआ, बड़ा। हाँ, अच्छा, हर जगह आपने एक ऐसा सेक्शन दिया है कि मतलब खड़ा हो गए कोई पर्सन अपना व्यू वगैरह देख सके। अच्छा, यहाँ पर भी लिफ्ट है, और ये एक तरह का छोटा पार्टी के लिए पूरा अरेंजमेंट सिस्टम। ओके, वो किड्स एरिया था, वो रहा, ठीक है ठीक है। तो ठीक है विशाल जी, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। अभी हम नीचे कौन कौन से दो फ्लैट देखने वाले हैं मेन? 1733 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 3 BHK, ठीक है, प्राइवेट लिफ्ट। अच्छा, उसमें प्राइवेट लिफ्ट है। और दूसरा 2415 स्क्वायर फीट, 2400 BHK, 4 टॉयलेट प्लस प्राइवेट लिफ्ट। अच्छा, उसमें भी प्राइवेट लिफ्ट है। चलिए सर, वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं 1733 3 BHK में आ गया हूँ। ये इसकी प्राइवेट लिफ्ट है विशाल जी। हाँ, ये प्राइवेट लिफ्ट मतलब ग्राउंड से या इसके अपने रूम तक आएगी? सॉरी, हाँ, रूम तक आएगी ये पूरी। ओके, ये एक ओपन एरिया दिया है गार्ड साहब के लिए बैठने के लिए अपना, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डाइनिंग, ड्राइंग डाइनिंग, तो ये है ड्राइंग डाइनिंग। अच्छा, वैसे सजाया तो बहुत अच्छा हुआ है। तो विशाल जी, एक काम करो ना, कस्टमर्स को भी ऐसे ही दे दो ना। ये आपके सर बालकनी हो गया, बालकनी व्यू, बालकनी का व्यू देखिए सर। बंद ही रहने दो, शीशे के पीछे से भी अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इधर साथ में किचन दी है। अच्छा, जो आप फ्लैट ये हैंडओवर करेंगे, ये किस कंडीशन में होगा? रॉ में होगा? रॉ में होगा सर, रॉ में होगा। मॉड्यूलर की होगी आपने किचन? ना ना सर,
किचन मॉड्यूलर नहीं होगी? नहीं, अच्छा तो किचन में क्या होगा, मतलब स्लैब वगैरह डली होगी? स्लैब होगा, अच्छा स्लैब आप बना, अच्छा वुडिंग का कस्टमर कराएगा। अरे दे देते सर, फर्नीचर वर्नीचर भी बढ़िया रहता, इजी हो जाता। अच्छा एंट्री करते ही एक रूम यहाँ पर है, ओके। इसका व्यू देखिए, क्या साइज है रूम का सर? इसका रूम का साइज है 10x12 का। 10x12 का, ओके। हर जगह से व्यू आएगा, ओके ठीक है। एसी अटैच टॉयलेट हो गया सर, ये अटैच टॉयलेट। हेलो, ओके। फिटिंग किस कंपनी की लग रही है इसमें? हैंडवेयर की। क्वालिटी का होना जरूरी है ना, जब इतना महंगी चीज कोई ले रहा है तो। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका रूम आ गया, ओके। थर्ड, ओके। हर एक के साथ आपने एक सेटअप की हुई है व्यूज की वजह। और ये तो काफी पूरी बाहर तक ही है, खोल के तो खोल ही नहीं पड़ेगा, बाहर जाने पड़ेगा। मेरा हाथ आ गया दोस्तों, ध्यान नहीं दिया। व्यू देखो दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था। अच्छा इधर आपने टॉयलेट, ठीक है। ओके ये स्पेस किस चीज का है? अलमीरा का सर। अलमीरा का, अलमीरा के स्पेस सब में है। अच्छा ओके, तो ये किड्स रूम कह सकते हैं हम इसे? नहीं आप वैसे रूम में किड्स के साथ डिजाइन, वैसे तो ये कंप्लीट रूम है। कंप्लीट रूम है तो ऐसे स्टडी रूम भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें भी आपने ये वही वाली जो उधर से आ रही है कंप्लीट, और इसका वॉशरूम इसके साथ लॉक्ड है अभी। ये क्या, ये भी वॉशरूम का कॉमन? अच्छा ये कॉमन वॉशरूम था, रूम से भी और डाइनिंग भी। ओके ये वाला हमने नहीं देखा ना। अच्छा ये तो बाहर जगह रास्ता जाने का। तो ये हमारा है ओवरऑल कितना? 1733 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्राइवेट लिफ्ट के साथ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 4 BHK। अब हम 4 BHK देखने जा रहे हैं, उसमें भी प्राइवेट लिफ्ट है। चलिए वहाँ चलते हैं। दोस्तों मैं वैसे 4 BHK पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा बेसमेंट में ये भी दिखा दूँ। ये पार्किंग है इनका, पार्किंग एरिया पूरा काफ़ी बड़ा है, मतलब पीछे बहुत बड़ा है। तो क्रॉस कर रहा था मैं एरिया को, मैंने सोचा आपको कवर करके दिखा दूँ कितना अच्छा कवर कर रहे हैं, क्या हाइट है इसकी, हाइट देखो पूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ 4 BHK में। विशाल जी ये जो बालकनी है ये किस चीज़ की होने वाली है? प्राइवेट लिफ्ट की? प्राइवेट लिफ्ट की, तो प्राइवेट लिफ्ट की बालकनी, इसमें से बालकनी में ही ओपन होगी सीधा। अच्छा ये कितने स्क्वायर फीट है? 2415 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। 2415 स्क्वायर फीट। यहाँ पर ड्राइंग एरिया हो गया सर, ये डाइनिंग एरिया, ये आपकी किचन हो गई, इधर किचन, ये आपकी एंट्री, आपका सर्विस जो लिफ्ट होगा सर्विस लिफ्ट। अच्छा ये सर्विस लिफ्ट की एंट्री आप यहाँ से देंगे वैसे इस तरह की जी। तो बालकनी तो आपको उधर वो थी ना? बालकनी इधर भी बालकनी आपके? अच्छा दो तरफ से, ठीक है ठीक है ओके। 10x14 का रूम है, 10x14 का रूम है ठीक। अटैच बालकनी है, अटैच टॉयलेट है, अटैच बालकनी है, अटैच टॉयलेट। ओके ये आपकी बालकनी का भी वैसे रहेगा। ओके ये बालकनी का भी ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आगे आ जाते हैं सर। फिर आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, कॉमन टॉयलेट। अच्छा इसका उस रूम का अटैचमेंट हो जाएगा सीधा, इसका रूम हो गया, बालकनी से भी अटैच है इस रूम से। ये बिग बालकनी है, ये आप देख समझ गया, वो आपने वही शेप इसको इधर एक्सटेंड किया है,
पूरे के पूरे। अब हम आते हैं तीसरे बेडरूम में, आपका बेडरूम हो गया सर, इससे भी अटैच बालकनी। ये बेडरूम और वो अटैच बालकनी, ठीक है। बेडरूम के साथ अलमीरा अटैच है। अच्छा, सभी के साथ? सभी के साथ अलमीरा अटैच है। अब देख सकते हैं ये रॉ रहेगा ये सारा फ्लैट या ये भी रॉ रहेगा। कस्टमर अपने हिसाब से डिजाइन करा सकता है। अच्छा, ये आपका टॉयलेट हो गया। टॉयलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम, लॉकर, ड्रेस रूम हो गया, ड्रेसिंग हो गया इधर, फिर आप मास्टर बेडरूम का टॉयलेट हो गया। ओके, ये तो हो गए आपका एक मोटा मोटा 3 BHK, 4 BHK। इसके अलावा आपके पास 2 BHK भी है। 2 BHK भी है और 2 BHK में स्टडी भी, 2+ study भी है। अगर बात करें तो यहाँ स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस सर हमारा है 46 लाख रुपए। 46, इसमें अलग से क्या जुड़ने के चांस है? एसएमएस चार्जेस है। हाँ हाँ हाँ, और रजिस्ट्री? रजिस्ट्री तो एक्स्ट्रा होती है। रजिस्ट्री एक्स्ट्रा होती है, फिर भी पूछना जरूरी है ना। अच्छा, वो एक्स्ट्रा रहेंगे। और मैक्सिमम यहाँ प्राइस क्या है? टोटल अगर मैं लमसम करूँ की 4 BHK मुझे इतने का पड़ेगा, सर आपको वो पड़ेगा 1.25 करोड़ का, लगभग 1.25 करोड़ का 4 BHK, यानी जिसमें हम खड़े हैं ये अप्रोक्स 1.25 CR का मुझे पड़ेगा, जिसमें मुझे अपनी प्राइवेट लिफ्ट वगैरह मिलेगी जो एक तरह से। और एक फ्लोर पे कितने रहेंगे ये? 2 फ्लैट, ये बड़े वाले जी। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहे, दोनों की अपनी लिफ्ट रहेगी। और जो 3 BHK वाली प्राइवेट है उसमें कितने रहेंगे एक फ्लोर पे? 2 प्राइवेट, उसमें 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट है, ठीक है। प्राइवेट लिफ्ट है, 2 आपके पैसेंजर लिफ्ट। अच्छा, एक तो हो गए जो कॉरिडोर में 2 लिफ्टें रखी होंगी वो उन फ्लैटों के लिए होंगी, और जो 2 प्राइवेट लिफ्टें 3 BHK की वो उनके रूम्स में ही होंगी एक तरह से, एंड कह सकते हैं उसमें खुलेंगी, ठीक है। रेरा अप्रूव्ड क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। इसकी पोजेशन का स्टेटस क्या है? इसका 3 मंथ में पोजेशन स्टार्ट कर दिया है। 3 मंथ में आप स्टार्ट कर देंगे इसके पोजेशन को, ठीक है। और एमिनिटीज जो हमने ऊपर जैसे देखी है वो तो सब एक तरह से रेडी ही पोजिशन में है, बस अब आप अपना फिनिशिंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए वो करना पड़ेगा। स्विमिंग पूल आपको दे रहे हैं? हाँ, नीचे पे, जैसे ऊपर है वैसे ही जॉगिंग टाइप नीचे भी दे रहे हैं। अच्छा, नीचे अभी स्विमिंग पूल और जॉगिंग ट्रैक पूरा आप नीचे करके दे रहे हैं। क्लब आपको ऊपर ही 17, 19 और 18 फ्लोर पे आपका क्लब है। अच्छा, 3 फ्लोर पे क्लब, यानी 3 क्लब हो गए ना एक तरह के, 3 क्लब हो गए इसमें। तो इसमें लोन कहाँ से मिल जाएंगे? IIFL से। और नेशनल बैंक, SBI वगैरह मिल जाएगा, सब करते हैं ना। हाँ। वो तो कोई इशू रह रहा है ऑलरेडी तो कोई इशू नहीं है। और पेमेंट प्लान क्या रहेगा आपका? जो रेडी टू मूव हो गया सर, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट देना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम है 1 साल का। हाँ। जिसमें आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा पेमेंट। मतलब लमसम कितना परसेंट? 50% जो इसमें 1 साल रहेगा उसमें 50% तो आपकी चली जाएगी, चली जाएगी। मगर वो 50% में लोन भी तो होगा ही ना। हाँ, लोन तो हो ही जाएगा ना, बेचारा खुद जाएगा देने से, फिर तो हो गया काम, ठीक है। चलिए विशाल जी, आज आपने काफी टाइम दे दिया मुझे और हमने काफी इस पे स्टडी कर लिया, लेकिन फॉलोअप वीडियो हम इस पे बनाते रहेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू विशाल जी।